नमस्कार। अब तक हमने सप्रतिबंध प्रायिकता को समझा है। हमने यह देखा है कि दो घटनाएं ई एवं एफ एक दूसरे के होने पर प्रभाव डाल सकती हैं एवं ई के होने पर एफ के होने की प्रायिकता क्या होगी, उसका प्रयोग करके हमने बेज के नियम अथवा बेज के सूत्र के द्वारा यह भी जाना था कि ई के होने पर एफ की प्रायिकता का प्रयोग करके हम एफ के होने पर ई की प्रायिकता किस प्रकार निकाल सकते हैं। जब हमने सप्रतिबंध प्रायिकता की बात आरंभ की थी तब हमने कहा था यह भी संभव है कि एक ही प्रतिदर्श समष्टि द्वारा जनित घटनाएं एक दूसरे पर प्रभाव न डालें। एक ही प्रतिदर्श समष्टि द्वारा जनित घटनाएं एक दूसरे पर प्रभाव न डालें, ऐसी घटनाओं को जहाँ किसी एक घटना का होना न होना दूसरी घटना को प्रभावित नहीं करता अथवा प्रायिकता ई उपस्थित एफ बराबर है प्रायिकता ई। एफ के होने अथवा ना होने से ई की प्रायिकता नहीं बदलती। इसी परिभाषा को आगे ले जाते हुए हम यह देख सकते हैं प्रायिकता ई उपस्थित एफ बराबर है प्रायिकता ई एफ बटे प्रायिकता एफ। अब क्योंकि प्रायिकता ई उपस्थित एफ बराबर प्रायिकता ई के बराबर है, अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्थात प्रायिकता ई एफ जो कि हमने कल कहा था प्रायिकता ई प्रतिच्छेदन एफ है बराबर है प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ। इसे ध्यान में रखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो घटनाएं ई एवं एफ तभी तंत्र होंगी जब प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ। अब यह देख सकते हैं कि
यह समीकरण ई एवं एफ में समरूप अथवा सिमेट्रिक है, जिसका अर्थ यह है कि यदि ई का होना एफ के होने पर निर्भर नहीं है, तब एफ का होना भी ई के होने पर निर्भर नहीं है। अर्थात यदि ई एफ से स्वतंत्र है तो एफ ई से स्वतंत्र है। हम जैसा कि हमने कहा, स्वतंत्रता समरूप अथवा सिमेट्रिक है। अब पूर्णता हेतु यदि दो घटनाएं ई एवं एफ स्वतंत्र नहीं हैं, तब वे पराश्रित डिपेंडेंट अब एक प्रस्ताव हम यह प्रस्तावित कर रहे हैं, यदि ई एवं एफ स्वतंत्र हैं तब ई एवं एफ पूरक अथवा नहीं एफ भी स्वतंत्र है। इसका उपपत्ति अथवा प्रूफ इस प्रकार है, यदि ई एवं एफ स्वतंत्र तब ई बराबर है एफ ई नहीं एफ, अथवा प्रायिकता लेने पर अब परस्पर अपवर्जी है, प्रायिकता ई बराबर है प्रायिकता ई एफ जमा प्रायिकता ई नहीं एफ बराबर है प्रायिकता ई प्रायिकता एफ जमा प्रायिकता ई एफ नहीं, अथवा प्रायिकता ई एफ नहीं बराबर है प्रायिकता ई घटा प्रायिकता ई प्रायिकता एफ बराबर है प्रायिकता ई एक घटा प्रायिकता एफ जो कि बराबर है प्रायिकता ई प्रायिकता नहीं एफ। अथवा हमने यह सिद्ध कर दिया कि प्रायिकता ई एफ नहीं प्रायिकता ई नहीं एफ बराबर है प्रायिकता ई प्रायिकता एफ पूरक, जो कि यह सिद्ध करता है कि ई और एफ पूरक एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता की इसी परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए हम तीन घटनाओं
तीन घटनाओं ई एफ जी के लिए स्वतंत्रता को परिभाषित कर सकते हैं। तीन घटनाएं ई एफ जी तंत्र हैं, तीन घटनाएं ई एफ जी स्वतंत्र हैं जब प्रायिकता ई एफ जी बराबर है प्रायिकता ई प्रायिकता एफ प्रायिकता जी प्रायिकता ई एफ बराबर है प्रायिकता ई प्रायिकता एफ प्रायिकता ई जी बराबर है प्रायिकता ई प्रायिकता जी प्रायिकता एफ जी बराबर है प्रायिकता एफ प्रायिकता जी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि ई एफ एवं जी से स्वतंत्र है तब ई एफ और जी के अवयव रखने वाली समस्त घटनाओं से भी यह दिखाना सरल है कि अब एवं प्रायिकता एफ जमा प्रायिकता ई प्रायिकता जी घटा प्रायिकता ई प्रायिकता एफ जी। हम प्रायिकता ई को बाहर निकाल सकते हैं, प्रायिकता एफ प्रायिकता जी प्रायिकता एफ जी प्रायिकता ई प्रायिकता एफ सम्मिलन जी जो कि हमारा निष्कर्ष था, जो कि हमने सिद्ध करना था कि यह प्रायिकता ई एफ और जी के सम्मिलन से भी स्वतंत्र है। अब हम दो तीन घटनाओं के लिए परिभाषित स्वतंत्रता को n घटनाओं के लिए परिभाषित दो
तीन घटनाओं के लिए परिभाषित, स्वतंत्रता को n घटनाओं के लिए परिभाषित करेंगे। घटनाएं औपचारिक रूप से, घटनाएं E1 से EN, तंत्र हैं यदि E1 से EN इस समुच्चय का, इन घटनाओं के समुच्चय के प्रत्येक प्रायिकता EI1 से EIR, प्रायिकता EIR जहां R n से कम है। यह n घटनाओं के लिए स्वतंत्रता की परिभाषा है। यह एवं यह प्रत्येक उपसमुच्चय के लिए सत्य होगा। यहां EI1 से EIR इस समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। अब हम यह देखते हैं कि कभी कभी एक यादृच्छिक परीक्षण कई छोटे छोटे उप परीक्षणों का अनुक्रम होता है, अर्थात एक परीक्षण कई छोटे छोटे उप परीक्षणों को मिलाकर बनाया जाता है। जिस प्रकार हम एक सिक्का 10 बार उछालने का परीक्षण असल में एक सिक्का 1 बार उछालने के 10 परीक्षणों का अनुक्रम है। एक सिक्का 10 बार उछालने का परीक्षण अथवा 10 सिक्के 1 बार उछालने का परीक्षण असल में एक ही सिक्के को 1 बार उछालने के 10 परीक्षणों का अनुक्रम है। इसे हम किसी भी रूप में देख सकते हैं। एवं यहाँ 10 उप परीक्षणों का अनुक्रम है। यहाँ हर ऐसे परीक्षण को जिसे जोड़कर एक वृहद परीक्षण बनता है उसे एक उप परीक्षण कहते हैं। यहाँ इस उदाहरण में एवं किसी भी परीक्षण को उप परीक्षणों के अनुक्रम के रूप में देखने में यह आवश्यक है कि एक उप परीक्षण के परिणाम का प्रभाव अन्य उप परीक्षणों पर नहीं पड़ रहा अथवा सभी उप परीक्षण एक से स्वतंत्र हैं। उप परीक्षणों का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ रहा एवं सभी उप परीक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। औपचारिक रूप से इसकी भी औपचारिक परिभाषा देना आवश्यक है। औपचारिक परिभाषा यदि हम घटना
एआई को एक ऐसी घटना के रूप में देखें जिसका होना न होना केवल आईवें उप परीक्षण पर निर्भर करता है, तब हम एवन एन के जनक उप परीक्षणों को स्वतंत्र कह सकते हैं। यदि किसी घटना एआई का होना ना होना केवल आईवें उप परीक्षण पर निर्भर करता है, तब हम एक से एन के जनक उप परीक्षणों को, इन घटनाओं के जनक उप परीक्षणों को स्वतंत्र उप परीक्षण कह सकते हैं। हम एक अन्य प्रस्ताव देकर सप्रतिबंध प्रायिकता की अपनी इस वार्तालाप को समाप्त करेंगे। प्रस्ताव: सप्रतिबंध प्रायिकता के अभिग्रहों का पालन करती है। सप्रतिबंध प्रायिकता प्रायिकता के अभिग्रहों का पालन करती है, अर्थात यह देखना सरल है कि अथवा एफ के होने पर घटना एफ के होने का ज्ञान पर हम जानते हैं शून्य अब, क्योंकि हमें एफ के होने का ज्ञान है तो, एवं एफ की प्रायिकता एफ हो चुकी है, तो इस घटना एफ घटित हो चुकी है तो इसकी प्रायिकता निश्चित रूप से शून्य से ज़्यादा है। हम इस पूर्ण समीकरण को एफ की प्रायिकता से भाग कर देते हैं एवं हमारे पास आता है यह। तो यह प्रायिकता के पहले अभिग्रह का पालन करती है। दूसरे अभिग्रह को के लिए हम जानते हैं प्रायिकता एक, इसकी उत्पत्ति के लिए हम देखते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदन एफ जो कि बराबर है एफ बटे प्रायिकता एफ जो कि बराबर है एक के, अर्थात हम दूसरे अभिग्रह का भी पालन करते हैं। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हमें एफ के होने की जानकारी है तब, जैसा कि हमने कहा था कि एक बार एफ हो गया तो हमारा प्रतिदर्श समष्टि केवल उन बिंदुओं में सिमट कर रह जाता है जो कि एफ के अवयव हैं, अर्थात हमारा प्रतिदर्श समष्टि ही एफ बन जाता है। इस सूरत में यह अभिग्रह भी
प्रमाणित हो गया। एवं यदि ई आई आई एक से परस्पर अपवर्जी हैं, तब यदि ई एक, ई दो, ई तीन परस्पर अपवर्जी हैं, तब प्रायिकता सम्मिलन एफ जोड़ ई आई उपस्थित एफ, प्रायिकता सम्मिलन ई आई उपस्थित एफ बराबर है जोड़ प्रायिकता ई आई उपस्थित एफ। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम यह देखेंगे, प्रायिकता सम्मिलन आई एक से अनंत ई आई उपस्थित एफ बराबर है प्रायिकता ई आई एफ एफ। अब क्योंकि ई आई परस्पर अपवर्जी हैं तो निश्चित रूप से ई आई प्रतिच्छेदन एफ भी परस्पर अपवर्जी ही होंगे, एवं हम लिख सकते हैं बराबर है सम्मिलन प्रायिकता आई उपस्थित एफ अंत। यह सिद्ध हुआ। एवं इसी के साथ सप्रतिबंध प्रायिकता का हमारा यह वार्तालाप समाप्त होता है। अगले व्याख्यान से हम बात करेंगे यादृच्छिक चरों की। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, इस व्याख्यान में हमने यह चर्चा की थी कि किस प्रकार हम घटनाओं को स्वतंत्र कह सकते हैं अथवा यह कह सकते हैं कि कुछ घटनाएं स्वतंत्र हैं अथवा नहीं। हमने वहां स्वतंत्रता की परिभाषा दी थी, यदि घटनाएं ई एक, ई दो, ई एन स्वतंत्र हैं, यदि प्रायिकता ई एक, ई दो, ई एन बराबर है प्रायिकता ई एक, प्रायिकता ई दो, प्रायिकता ई एन। हमने स्वतंत्रता की यह परिभाषा दी थी, किंतु स्वतंत्रता की यह परिभाषा पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। यह स्थिति में जब प्रायिकता ई एक, ई दो, ई एन बराबर है प्रायिकता ई एक गुणा प्रायिकता ई दो गुणा प्रायिकता ई एन, यह केवल और केवल इस स्थिति में इन घटनाओं को स्वतंत्र ना कहकर अथवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना कहकर पारस्परिक रूप से स्वतंत्र अथवा म्यूचुअली म्यूचुअल इंडिपेंडेंट अथवा पारस्परिक रूप से स्वतंत्र कहा जाता है, यदि यह समीकरण सत्य है तो। घटनाएं ई एक से ई एन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं यदि समुच्चय मान लीजिए मैं समुच्चय ई ई एक से ई एन के सभी समुच्चय
कि संयुक्त रूप से होने की प्रायिकता उनके उपसमुच्चयों के होने की प्रायिकता के गुणनफल के रूप में दी जा सकती है। अर्थात यदि हम तीन घटनाओं E1, E2, E3 को स्वतंत्र कहना चाहें तब E1, E2, E3 स्वतंत्र होंगी जब प्रायिकता E1, E2, E3 बराबर है प्रायिकता E1 गुणा प्रायिकता E2, E3 बराबर है प्रायिकता E2 प्रायिकता E1, E3 बराबर है प्रायिकता E3 गुणा प्रायिकता E1, E2 बराबर है प्रायिकता E1 गुणा प्रायिकता E2 गुणा प्रायिकता E3। यह स्वतंत्र होंगे केवल और केवल तभी जब ये सभी समीकरण सत्य होंगे। हम यह भी देख सकते हैं कि इन समीकरणों को थोड़ा सा बदलकर हम प्रायिकता E2, E3 बराबर है प्रायिकता E2, प्रायिकता E3, प्रायिकता E1, E2 बराबर है प्रायिकता E1, प्रायिकता E2, प्रायिकता E1, E3 बराबर है प्रायिकता E1, प्रायिकता E3। यह अर्थात हम यह देख सकते हैं कि किन्हीं भी n घटनाओं की स्वतंत्रता जांचने हेतु हमें 2n समीकरणों को जांचने की आवश्यकता है। किन्हीं n घटनाओं की स्वतंत्रता जांचने हेतु हमें 2n समीकरणों को जांचने की आवश्यकता है। यदि वह 2n समीकरण सत्य होंगे तभी वह n घटनाएं स्वतंत्र होंगी। उन n घटनाओं को पारस्परिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए केवल और केवल इस एक समीकरण सत्य होगा, तब वह घटनाएं पारस्परिक रूप से स्वतंत्र कही जा सकती हैं। किंतु उन घटनाओं को स्वतंत्र कहने के लिए हमें उन 2n समीकरणों का सत्य होना आवश्यक है। धन्यवाद।